शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर ही लिया। ईडी की टीम गुरुवार को शाम करीब 7 बजे मुख्यमंत्री के आवास से विलाइन पहुंची। ईडी के कई अधिकारी हाथों में फाइल लेकर पहुंचे थे। खबर बस आई ही थी कि ये जानकारी आने लगी कि ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछताछ शुरू कर दी। सवाल जब आपका दौर करीब 2.5 घंटे तक चला और फिर बड़ी अपडेट आई कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। आप नेताओं और समर्थकों में इसके बाद हड़कंप मच गया। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। दो साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिस में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। हालांकि बीजेपी ने इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि केजरीवाल की राजनीतिक नौटंकी आखिरकार खत्म हो गई, झूठ की सरकार का अंत हो गया। 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार, जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। दिल्ली की जनता को आखिरकार एक भ्रष्टाचारी कमीशनखोर मुख्यमंत्री से छुटकारा मिलने वाला है। 6 साल पहले हमने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है भ्रष्टाचार की, कमीशनखोरी की, घोटालों की, उसका अंत केवल गिरफ्तारी में और तिहाड़ जेल में होगा। आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, ये एक स्वागत योग्य कदम है। दिल्ली की जनता को न्याय मिलना ही चाहिए। शराब घोटाले में जिन माताओं, बहनों, बेटियों ने अत्याचार सहा है, उनके साथ न्याय होना ही चाहिए। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से भाग रहे थे, ये स्पष्ट था कि उन्होंने चोरी की है। और आज हाईकोर्ट की टिप्पणी भी, हाईकोर्ट का निर्णय भी इसी तरफ इशारा कर रहा था कि केजरीवाल को गिरफ्तारी से बचाना असंभव है। हम ईडी की इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। कानून अपना काम करेगा। केजरीवाल को अब गिरफ्तारी के बाद तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वो ऐसी कोई गलत परंपरा डालने की कोशिश ना करें कि भ्रष्टाचारी जेल में बैठ के सरकार चलाएंगे दिल्ली की। इसको दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आज का दिन न्याय का दिन है। केजरीवाल के भ्रष्टाचार का यही अंत होना निश्चित था और ये केवल शुरुआत है। अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग ने दिल्ली में जो भी अत्याचार और भ्रष्टाचार किए हैं, सबका हिसाब होना सुनिश्चित है। अगर ये सारा का सारा विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो अभी तक किसी ने राहत क्यों नहीं दी? समन्स को खारिज नहीं किया, केस को खारिज नहीं किया, संजय सिंह को राहत नहीं मिली, मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। आपको ये बताना होगा कि 2.5% से 12% कमीशन बढ़ा ना, अब मीडिया ने भी तो एक सीएजी रिपोर्ट बताई है, इसमें 2000 करोड़ का घोटाला बताया ना। क्या ये पॉलिसी अगर पूरी तरह से सही थी तो ओल्ड पॉलिसी पर क्यों गए? ब्लैकलिस्टेड कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज को आने दिया गया होलसेल के अंदर? किस प्रकार से आपने 1000 करोड़ का मुनाफा शराब घोटालेबाजों को दिया जब कोविड का काल था? और केवल शराब घोटाला नहीं, केवल दारू नहीं, दवा भी नहीं छोड़ी, मोहल्ला क्लिनिक या महल भी नहीं छोड़ा, बस या शराब के बाद स्कूल की लैब टेस्टिंग भी नहीं छोड़ी। तो ऐसा कोई विभाग नहीं जहां पर आपने ठगा नहीं और उसके बाद आप लोग विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। आज विक्टिमहुड कार्ड खेलने का नहीं, आज सही सवाल का जवाब देने का समय है और इसलिए सवालों का जवाब दीजिए और कम से कम जो पैमाने दूसरों पर स्थापित किया करते थे उसके आधार पर इस्तीफा तो दीजिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद भगवंत मान का सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया। मान ने कहा कि बीजेपी की राजनीतिक टीम ईडी केजरीवाल की सोच को कैद नहीं कर सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। सोच को कभी भी दबाया नहीं जा सकता।
वहीं प्रियंका गांधी ने भी पोस्ट कर इस गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया। प्रियंका ने केजरीवाल के अरेस्ट को गलत और असंवैधानिक बताया है। कुल मिलाकर पिछले कई महीनों से ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को दिए जा रहे समन का दौर खत्म हुआ। दिल्ली के मुखिया अब गिरफ्त में है। शराब नीति मामले में ईडी की ये गिरफ्तारी कौन से बड़े खुलासे करती है? केजरीवाल का आगे क्या होगा, ये भी अब देखने वाली बात होगी। दिल्ली से सूर्या समाचार के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट।